तो आज दोपहर फाइनली अक्षय कुमार एंड हमारे लॉर्ड इमरान हाशमी स्टारर सेल्फी का ट्रेलर आ गया है और ट्रेलर भाई 3 मिनट लंबा था। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइस, कसा हाथ तुम्हें, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं रॉकी द वॉचर। मूवी का ट्रेलर देखने के बाद मुझे बस एक ही कंसर्न है कि भाई एक ड्राइविंग लाइसेंस से कैसे इतनी बड़ी दुश्मनी होगी। वेल, ये मूवी रीमेक है साउथ के मूवी ड्राइविंग लाइसेंस का और ड्राइविंग लाइसेंस मूवी साउथ में बहुत ज्यादा बड़ा ब्लॉकबस्टर रही है, तो क्या पता यहाँ भी सेल्फी मूवी ब्लॉकबस्टर हो। लेट्स होप। और सबसे ज्यादा आगे आने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या ये मूवी अक्षय कुमार के फ्लॉप्स मूवीज का स्टॉप होगी। ट्रेलर में का ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो इंटेंशनली डाला है या अनइंटेंशनली पता नहीं, बट ट्रेलर में वो डायलॉग देख के मजा आ गया। डायलॉग में अक्षय कुमार बोलते हैं कि वो इतने इतने फिल्म्स करने वाले हैं और इतने इतने वो OTT पे होंगे और इतने इतने वो एड्स करने वाले हैं, और वो बहुत रियल फील देती है क्योंकि अक्षय कुमार भी ऐसे ही करते होंगे। और दूसरे मजे लेने से बेहतर है कि खुद ही मजे ले, तो लग रहा है वो खुद ही मजे ले रहे हैं। ट्रेलर में मुझे एक और चीज़ नोटिस हुई, जब अक्षय कुमार अपने मूवीज़ के लॉन्च के लिए जाते हैं तब वहाँ के पोस्टर्स मुझे पठान के पोस्टर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल या कहूँ कॉपी लग रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता, कमेंट में ज़रूर बताना। ट्रेलर में साफ साफ दिखाया है कि वो अपने सुपरस्टार की और वो सुपरस्टार के सुपर फैन की राइवलरी दिखाने वाले हैं, और सच बोलूँ तो यह आइडिया मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब देखते हैं कि वो कैसे इस इंटरेस्टिंग आइडिया को एक इंटरेस्टिंग तरीके से मूवी में दिखाते हैं, और देखते हैं कि इमरान के साथ हमारे खिलाड़ी अक्षय कुमार का कमबैक होता है या नहीं। और खिलाड़ी से याद आया कि मूवी में एक अक्षय कुमार का आइकॉनिक सॉन्ग होने वाला है, ऑफकोर्स रीमेक, तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी, सॉरी मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, नहीं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। खैर, रीमेक तो मुझे यूजुअली पसंद नहीं आते, पर जितना ट्रेलर में सुना है सच बोल रहा हूँ मुझे बहुत पसंद आया, और क्या पता मूवी में अच्छा बनाए, तो देखते हैं क्या होता है। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन। तब तक आप ये इनसेन मूवी का मूवी रिव्यू जरूर देखिए, और आपको सेल्फी का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और आपके मूवी से एक्सपेक्टेशंस क्या है वो भी बताना। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वन, तब तक देखते रहिए रॉकी द वॉचर। ओह, इट वाज एट दिस मोमेंट दैट ही न्यू ही फक्ड अप। ओह, रॉकी द वॉचर।